लड्डू के पापा कैसे उछल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। भगाया जाता ना घर से, कैसी बहू लेके आ गए हम लोग, सोचते लोग। दो दिन में भगा दिए जाते घर से, वो भी कि डंडा मार मार के। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। लड्डू की आप लोग देख सकते हैं, लड्डू बिल्कुल रेडी हो गया है अभी हमारा। तो अभी हमने प्याज ले लिया, आलू ले लिया, सूजी ले ली, चावल ले लिया, आटा, सबको दिया या एक ही को दे के आए? क्या आया हूँ, जिसको जी होगा आगे खा लेगा, वो बुफे सिस्टम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो रुक जाओ दो मिनट, तो मेरे हस्बैंड अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सुबह के बाद ये 11, नाश्ता वास्ता कर लिया, घर का सारा काम करने तक। वैसे हॉस्पिटल जाना है आज हमें, लड्डू का रूटीन चेकअप करना है। और जैसे कि लड्डू ने सॉलिड लेना स्टार्ट कर लिया है, थोड़ी थोड़ी सॉलिड डाइट स्टार्ट कर लिया है। अभी तो जस्ट सैरल है, दाल का पानी और कभी कभी आलू मैश करके दे देती हूँ। तो आज डॉक्टर से पूछ लेंगे इसके अलावा क्या क्या दे सकते हैं। और उसकी जो विटामिन D3 की दवाई है वो भी ख़त्म हो गई है, मतलब कि वहाँ से लाते टाइम पता नहीं जो ड्रॉपर लगा के ना वो निकल गई थी पूरी उसमें, जैसे कि वो पहले ढक्कन लगा होता है फिर ड्रॉपर लगा के बिल्कुल ही लीक हो गई, ख़त्म हो गई थी। तो वो दवाई भी लेके आनी है अभी, क्योंकि वो बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो वाली दवाई, जो मल्टीविटामिन D3 जो भी है। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, लड्डू के पापा भी रेडी हो गए हैं। और लड्डू को तो मैं पहले ही रेडी कर चुकी हूँ। कि आप लोग देख सकते हैं, लड्डू बिल्कुल रेडी हो गया है अभी हमारा। हाँ लड्डू रेडी हो गए, लड्डू ने पहन रखा है येल्लो। लड्डू की मम्मा ने भी पहन रखा है येल्लो। डॉक्टर हमेशा चिढ़ाते हैं, आप दोनों मैचिंग क्यों करके आते हो। अरे यार हो जाता है, समझ नहीं आता है। अभी मैं रेडी हुई तो समझ आ रहा है कि यार दोनों ने येल्लो पहन दिया फिर से। तो डॉक्टर पक्का बोलेंगे कि दोनों मैचिंग करके लाए हैं करके, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली डॉक्टर है वो। लड्डू, सो गाइस, तूफान से हमारे कवर की ऐसी बैंड बजा दी है, हम इतने अच्छे से वो करके गए थे, यहाँ फट गया। कुत्तों ने फाड़ा, क्योंकि हाँ इधर कुत्तों के, कुत्तों ने फाड़ रखा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये कहाँ से लगा, नहीं वो तो जो भी है उड़ गया, इधर दांत जैसे भी दिख रहे हैं। हाँ दांत इसी इतने ऊपर तो नहीं फट सकता है यार तूफान से, वैसे भी चल चल ठीक है। निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, लड्डू बिल्कुल खुश हो रहा है। वैसे रूटीन चेकअप है, ज़्यादा कुछ नहीं। और घर के लिए थोड़ा राशन वासन भी लेके आना है, क्योंकि इस महीने तो हम लेके ही नहीं आए थे, मतलब जितना लाए थे वो छुट्टी घर जाने तक ख़त्म हो गया था। फिर हमने सोचा जब घर आएंगे तो ही लेंगे करके, तो क्वार्टर में आएंगे, तो मतलब घर गए थे क्वार्टर में आएंगे तब लेंगे। तो आज लेके भी आएंगे, फिर ये भी बिजी हो जाएंगे, आज बड़ी मुश्किल से इनको छुट्टी मिली है। तो फिर वही होता है ना, फिर बिजी शेड्यूल हो जाता है, वही वाला सीन, 1 बजे ये, फिर जाया नहीं जाता है क्योंकि उतनी धूप है तो कोई जा ही नहीं सकता है, इसीलिए आज जा रहे हैं, थोड़ा फ्री है इसीलिए। गाइस आज बादल आए हुए हैं हल्के हल्के से, क्या पता बारिश हो जाए। बादल तो दिख रहे हैं, मौसम भी थोड़ा, लेकिन गर्मी है आज, बहुत गर्मी है। कल रात भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैंने तो पंखे की स्पीड भी तेज कर ली थी कल रात को, फिर एक बार कम कर रही हूँ, एक बार ज़्यादा कर रही हूँ, एक बार ओढ़ रही हूँ, ऐसा ही चल रहा था रात भर। ऊपर से कल लड्डू भी नहीं सोया, देख सकते हो कितना अच्छा वाला मौसम हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे बादल आ रखे हैं बिल्कुल वाइट कलर के आज। वाइट में क्या फ़ायदा है, काले आने। हाँ काले बादल में बारिश होती है। तो बस 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। लड्डू के बाल देख रहे हो, क्योंकि गीले ये बाल ना बड़े होने लग गए तो सेट नहीं हो पाते बिल्कुल भी। आजकल यहाँ की रोड भी बन गई, तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ की मिलिट्री हॉस्पिटल में। कहाँ दिख रही है तुम्हें ये मोटी है? हाँ। बाल इतनी मोटी है क्या तुम्हारी मौसी? मौसी बीमार होने की फूल नहीं है। इतनी है? हाँ। तुमने कब देखी? महाकालेश्वर से लाए थे इसे बांधने के लिए, बट ये थोड़ा सा छोटा बड़ा, इसकी गांठ खोल के ना फिर लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। क्या अभी करते हैं, रुक तो ये आने के बाद बांधेंगे इसको।
जय महाकाल। ज्यादा गर्मी हो रही है यार सच में। आजा भाई लौंडे, गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। सो गाइस अभी हम लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं, बच्चों के डॉक्टर तो मिले नहीं क्योंकि वो शायद छुट्टी पे हैं। तो ऐसे हमारे रूम में दिखा लिया था हमने और वहां से ले ली हमने दवाई जो उसके लिए चाहिए थी, और तो कुछ नहीं दिखा पाए अभी, डाइट वगैरह के बारे में पूछा नहीं। बाकी अभी सेरेलैक्स ही बोला था डॉक्टर ने, और दाल वगैरह का पानी, एक चीज़ खिलाने के लिए बोला था ताकि पता हो किस चीज़ से एलर्जी हो रही है किस चीज़ से नहीं हो रही है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो अभी हम जियो मार्ट जाएंगे शायद या कैंटीन जाएंगे, मुझे पता नहीं है। मेरे हस्बैंड को ही पता होगा कहाँ जा रहे हैं क्योंकि वो जहाँ ले गए हम वहीं चले जाएँ। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट में, अब यहाँ से ग्रोसरी लेनी है हम लोगों को। है ना बेटा, कहाँ जा रहे हैं हम? शॉपिंग करने जा रहे हैं, बता दो सबको। शॉपिंग करने जा रहे हैं मम्मा बेटा। पापा क्या क्या दिलाएंगे? पापा क्या क्या दिलाओगे बोलो? लड्डू को चॉकलेट दिलाओगे? तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं स्मार्ट पॉइंट के लिए। बैग बाद में ले लेंगे, नहीं हाँ? बैग ले चलते हैं, चल आजा, चल नहीं आजा। तो ये है सब्जी के प्राइस के, ये क्या है? मूंगफली। प्याज आपने बंद वाला लिया, सड़ तो नहीं रहा है? सही है वैसे। तो अभी हमने प्याज ले लिया, आलू ले लिया, सूजी ले ली, चावल ले लिया, आटा ले लिया, और क्या लेना था? हो गई है और आज से शुरू है IPL नया टाइम पास। लड्डू के पापा कैसे उछल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। लड्डू भी इतनी शांति से देख रहा है IPL। बेटा बेटा क्या देख ले हो? का देख ला मेरा मुन्ना? मैं हूँ किचन में, किचन में बना रही हूँ चाय। लड्डू के पापा को चाय पीनी है। अभी शाम के 7 बज गए, ये भी ड्यूटी से आ गए हैं। अभी एक दो दिन थोड़ा फ्री है, उसके बाद तो प्रचंड वाले बिजी होने वाले हैं ये। धानी धानी शेर आया, शेर आया, शेर आया। चेन्नई सुपर किंग्स का मिशेल पोर्ट अरिंग अभी भी कितना स्मार्ट है यार। अरे पेट अंदर चला गया इसका, इतना वर्कआउट कर रखा है ना उसने, जिसने उसको बूढ़ा कहा था, मतलब अभी भी वैसा ही है। ये तो वो है, ये देखा जैसा क्यों लग रहा। सो गाइस रात के 9 बज गए और अभी तक हमारा डिनर नहीं हुआ है क्योंकि लड्डू के पापा को बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। क्योंकि ना क्या हुआ कि हम MS से आए, उसके बाद ये चले गए थे ड्यूटी, और उसके बाद हमने 3:30 बजे कर रखा है लंच, और अभी IPL चल रहा है, मतलब कि मेरी फेवरेट टीम का मैच चल रहा है आज चेन्नई सुपर किंग का मैच, जो कि धोनी को देखने के लिए। मैं मतलब धोनी की फैन कब से हूँ बताऊँ? बचपन से। मैं जिंदगी में कभी किसी की फैन नहीं हूँ, लेकिन धोनी की मैं सबसे बड़ी फैन हूँ। तो अभी MS धोनी की बैटिंग आ रही है, अब 9 बज गया है, तो ये तो अभी भी बोल रहे हैं कि खाना मत बना, लेकिन मैं थोड़ी धोनी की बैटिंग देखती हूँ, उसके बाद बना ही लेती हूँ खाना, क्योंकि सब्जी भी बनी हुई है और आटा मैंने सुबह गूंथ लिया था तो वही बन गया था फ्रिज में। 2 रोटी से ज़्यादा तो बननी नहीं है घर के अंदर, बनेंगी 2 रोटी, थोड़ा सा चावल भी अच्छा है। तो अभी बनाते हैं खाना
नहीं रही, मैं तो भूल ही गई। देख सकते हो लड्डू भी मैच देख रहे हैं यहाँ पे। लड्डू क्या कर ले हो मैच? लड्डू यहाँ पर देख रहा है मैच। हाँ बेटा, निन्नू खुल गई। तो गाइस मेरे को ना मैच देखना ही नहीं चाहिए, सच्ची कह रही हूँ। जब भी मैच देख रही हूँ उस टाइम से पतझड़ लग गया है धोनी की टीम का। लगातार सर कोई आउट हो गया है, 5-6 7-7 में चले गए यार। अभी तक मैं मैच नहीं देखी क्योंकि अच्छा स्कोर चल रहा था। गायकवाड़ के बाद तो बिल्कुल ही पतझड़ लग गया है अभी। तो गाइस अभी मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि ना मैच देखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने मैच देखा और वहाँ पतझड़ लग गया, मतलब कि ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही पनौती बन गई हूँ उनके लिए। मेरे देखने से ही हर कोई आउट हो रहा है, तो इससे अच्छा मैं देखती हूँ। 2 ओवर बचे हैं, थोड़े रन बन जाएंगे तो जीतने की आस तो होगी ना। तो मैं चेन्नई की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो अभी मैं रोटी बना लेती हूँ जल्दी से क्योंकि अब 10 भी बजने वाला है, फिर उनको सुबह ड्यूटी भी जाना होता है, फिर लेट हो जाएंगे, इसीलिए फटाफट से बनाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। आज लगता है मूवी भी लगी हुई है आज। हाँ फ्राइडे है तो आज मूवी भी लगी हुई है, लेकिन हम लोग तो गए नहीं और मुझे पता भी नहीं है कि कौन सी मूवी लगी है करके। तो पता करूँगी अपने हस्बैंड से, अगर कल या परसों टाइम होगा तो फिर हम लोग भी जाएंगे। गाइस अभी लड्डू को दवाई पिलाने का टाइम हो गया है, देखो उसकी खुशी देखो, दवाई पीते टाइम। तो आज यही वाली दवाई लेने के लिए गए थे हम लोग, ये वाली दवाई पिलाते हैं हम इसको, D3+। और वो कौन सी है, तो 3 टाइम पिलानी होती है, मतलब कि एक बार 0.5, फिर उसके बाद ये वाली पिलानी होती है 1 ml, फिर उसके बाद ये वाली रात को। देख रहे हो ये कितना खुश होता है दवाई पीने के लिए। तो यही दवाई खत्म हुई थी आज, हम इसीलिए हॉस्पिटल गए थे क्योंकि ना और जगह फिर अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, तो बच्चे को जो दवाई पिला रहे हैं जो हॉस्पिटल से दे रहे हैं तो वही सही रहती है। और अभी ये डॉगी को खाना भी देके आ गए। मिले डॉगी हैं, सबको दिया या एक ही को दे के आए? जिसको जी होगा आगे खा लेगा, वो बुफे सिस्टम है, ठीक है, खुदा की को देना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस। बुफे है वहाँ पे, स्टॉल लगा दिया मैंने। तो मैंने जो भटूरे बनाए थे उनका हाल हो गया था बेकार, इसीलिए उनको तो अभी लड्डू खेल रहे हैं यहाँ पे। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर ये लड़की का जन्म लिया होता इन्होंने या किसी घर की बहू बने रहते तो फिर ये क्या काम करते हैं? 2 दिन में तुम्हें जो तो नहीं करती वही नहीं, 2 दिन में तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता भाई, एक पानी की बोतल नहीं भरी जाती है मेरे हस्बैंड से। ये अभी ये कितने मैंने सोचा मैं रेस्ट करूंगी या सब काम हो गया, एक पानी की बोतल के लिए भी मुझे जाना पड़ेगा। आपको ऐसे भगाया जाता ना घर से, कैसी बहू लेके आ गए हम लोग सोचते लोग, पता है आपको? तेरे को तो भगाया नहीं, मैं कितना काम करती हूँ, मेरे जितना काम जो कर देते ना सातवें आसमान में होते हैं। 2 दिन में भगा दिए जाते घर से, वो भी डंडा मार मार के। तो गाइस अपना कंपैरिजन मेरे से कर रहे हैं, दिन भर काम करने वाली लड़की से। तो गाइस मेरे को ना बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है, लेकिन इनको गर्मी नहीं लग रही है। मैं पंखे की स्पीड तेज करती हूँ, हमेशा पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे गर्मी लगती है इनको नहीं लगती है। और फिर मेरे को पंखा इतना स्लो स्लो चलाना पड़ता है, और रात को डर के मारे उठ उठ के पंखा चलाती हूँ, इनको पता चल जाता है, फिर ये बोलते हैं मुझे सर्दी लग रही है। तो मेरे साथ यही सीन हो रहा है। तो अभी लड्डू और लड्डू के पापा खेल रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग पता नहीं अब क्या ही होगा, बोर होने वाली हूँ बहुत ज़्यादा, बोर होने का टाइम नहीं है अब सच बताऊँ तो। पहले मैं बोर होती थी, दिन कैसे निकलेगा करके सोचती थी, लेकिन अब दिन निकल जाता है और खुद के मेरे को ना खुद फ़ोन देखने का टाइम नहीं होता कि फ़ोन में क्या चल रहा, नहीं तो सुबह उठते ही मैं 1-2 घंटे फ़ोन चलाती थी, उसके बाद आराम से काम करती थी। अब तो काम 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 ही ख़त्म नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।